नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर आज हम बात करेंगे यूपी ट्रबल एससी एग्ज़ाम को लेकर। तो यहाँ पर एक न्यू अपडेट निकल कर आया है यूपी ट्रबल एससी की तरफ से, तो काफ़ी बड़ी खबर है और आप सभी के लिए यहाँ पर खुशखबरी भी है कि यूपी ट्रबल एससी एग्ज़ाम कैलेंडर पर कार्य कर रहा है और जल्द ही यहाँ पर यूपी ट्रबल एससी एग्ज़ाम कैलेंडर को जारी करने वाला है। तो कब तक जारी होगा आपका एग्ज़ाम टाइम टेबल और क्या है पूरा अपडेट, उसके बारे में हम बात। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं, तो मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्सों को देखने के लिए सिंपल सा आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और आपको वहां पर मुझे सर्च करना है मेरा नाम सर्च बॉक्स में अभिनव सिंह। मेरे द्वारा बनाए गए यूपी ट्रबल एससी एग्ज़ाम के लिए सभी बेस्ट व बेहतरीन कोर्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने वहाँ पर आपको अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए भी कोर्स लगातार दिए हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे पूरे अपडेट के बारे में, डिटेल में आपको हम बताने वाले हैं। नौकरी के लिए बरसों नहीं करना होगा इंतज़ार, टाइम टेबल यहाँ पर आपका बन रहा है। यूपी ट्रबल एससी भर्तियों के लिए टाइम टेबल बनाया जा रहा है और परीक्षा से रिजल्ट और नियुक्ति तक का पूरा टाइम टेबल यहाँ पर तय किया जाएगा और तय समय में भर्तियों से होगी धांधली की संभावना एकदम खत्म। क्या है पूरा अपडेट कि यहाँ पर क्या है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है कि सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली भर्तियां अब तय कार्यक्रम के मुताबिक होंगी। मसलन कब रिजल्ट आएगा और कब नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, इसका टाइम टेबल पहले से तय होगा। आयोग का मानना है कि तय समय में भर्तियां होने से धांधली की संभावना ना के बराबर होगी और सब तय समय में, यानी कि उत्तर प्रदेश में अभी तक सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाएँ भर्तियों में केवल आवेदन से लेकर परीक्षा कराने का कार्यक्रम जो है तय पहले से होता था। रिजल्ट जारी करना, नियुक्ति पत्र देना, ये आपका तय नहीं होता था। इसके चलते भर्ती प्रक्रिया सालों साल चलती रहती है और आवेदन के बाद परीक्षा देने वाले युवाओं को लंबा इंतजार करना पड़ता है। आयोग का मानना है कि भर्ती में प्रक्रिया में देरी होने की वजह से धांधली की संभावना बढ़ जाती है और इसीलिए आवेदन के साथ परीक्षा और रिजल्ट जारी करते हुए नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम भी पहले से तय होना चाहिए और इससे भर्ती धांधली आपकी संभावना जो ये ख़त्म हो जाएगी। और आगे यहाँ पर क्या है कि विभागों में खाली नहीं रहेंगे पद, यानी कि भर्ती प्रक्रिया तय समय पर होने पर नियुक्ति पत्र बांट दिए जाने से सरकारी विभागों में सालों साल पद जो खाली पड़े होते हैं वे पद यहाँ पर खाली नहीं रहेंगे। और अमूमन यानी कि लगभग यही रोना होता है कि पद रिक्त होने से काम का बोझ बढ़ जाता है और इसीलिए आयोग चाहता है कि सरकारी विभागों के नियुक्तियों में किसी तरह का यहाँ पर देरी ना हो और एक टाइम टेबल बना के यहाँ पर परीक्षा कराई जाए। तो जल्द ही यहाँ पर टाइम टेबल यूपी ट्रबल एससी के द्वारा जारी किया जाएगा। आगे यहाँ पर क्या है कि युवाओं को मिलेगी राहत, यानी कि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग का मानना है कि तय समय में भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। मसलन योग्य अभ्यर्थियों को कई भर्तियों के लिए समकक्ष पदों के लिए बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा। मौजूदा तय समय में भर्तियां न होने की वजह से युवा लगातार आवेदन करता रहता है, इससे उसका पैसा जो है खर्च होता जाता है जो कि बेकार होता रहता है। और आयोग का मानना है कि तय समय से भर्तियां होने से युवाओं को राहत मिलेगा और उनका समय और पैसा दोनों यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर ये आपका एक अपडेट निकल कर आया है, ये अपडेट आपका है लखनऊ का, यानी कि हिंदुस्तान पेपर में लखनऊ आपका जो एडिशन है उसमें ये आपका पूरा यहाँ पर अपडेट दिया गया है। तो आपका यूपी ट्रबल एससी का जो टाइम टेबल है वो आपका बनेगा और यहाँ पर हर एक चीज़ का टाइम टेबल होगा, यानी कि परीक्षा रिजल्ट नियुक्ति पत्र और ज्वाइनिंग का पूरा आपका टाइम टेबल एक साथ यहाँ पर बनाया जाएगा जिससे कि कोई भी यहाँ पर दिक्कत ना हो। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है कि यहाँ पर टाइम टेबल पर काम किया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है और जल्द यहाँ पर इसको जारी भी किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा अपडेट पसंद आया होगा। बाय, टेक केयर, सी यू।